वेलकम टू दिस वेबकास्ट जी। आज इस वेबकास्ट में बात करने वाला हूँ स्टडी वीज़ा के बारे में। बहुत सारे हमारे दोस्त बच्चे भाई बहन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तौर पे आना चाहते हैं, और होता क्या था कि अगर आपको मिनिमम 6 चाहिए होते थे अगर आप अंडरग्रेड प्रोग्राम में आ रहे हैं, और इंडिविजुअली भी 6 चाहिए थे, ओवरऑल भी 6 चाहिए थे। अब रिसेंट डेवलपमेंट जो आई है गैजेट में 27 मई को पब्लिश हुआ है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपका इंडिविजुअल स्कोर 5.5 भी है, ओवरऑल 6 है, यू कैन स्टिल अप्लाई अंडर द एसडीए स्ट्रीम। तो जितने भी हमारे दोस्त भाई बहन कनाडा में आना चाहते हैं स्टडी वीजा पे ऊपर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और सेकंड ऑफ ऑल, कभी भी आप होता क्या कि 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल तक के लोग स्टडी वीजा पे आते हैं, अगर आपकी एज 30 से ज्यादा भी है तो भी आप स्टडी वीजा पे आ सकते हैं। देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट कि एज इतनी से कम होनी चाहिए। आपके पास लर्निंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके पास ये एटीट्यूड है तो यू कैन कम इन एज अ स्टूडेंट। इवन आपकी एज 40 है 50 है तो भी आप आ सकते हैं। अगर आप और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं स्टडी वीजा के बारे में, एक और चीज, अगर आप अपने आपका स्पाउस एक स्टडी वीजा पे आता है तो दूसरे स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा और बच्चे को स्टडी वीजा मिल जाएगा, एंड दे कैन गो टू स्कूल विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल सेंट। तो और इंफॉर्मेशन लेने के लिए इसके बारे में आप हमारी टीम से राब्ता कीजिए, एंड वी विल असिस्ट यू ऑन दिस।